मैंने शायद ही कम ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें आपको स्टार्टिंग में ही बोला गया है कि प्लीज़ इस वीडियो को सबसे पहले तो शेयर का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से किसी की ज़िंदगी का फैसला आपके शेयर पर है। क्योंकि अक्सर हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं और कई बार फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से हम अपने परिवार के सदस्य को खो देते हैं। तो हमारा मकसद है, हमने ये चैनल जो है ये नहीं है कि हमने अपने लिए बनाया, ये सब जनता के लिए चैनल बनाया गया और जनता की मदद के लिए ये चैनल बनाया गया। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक अपील करूँगा कि सबसे पहले इस वीडियो को आगे तक पहुँचा दीजिए और सबसे पहले शुरू करने से पहले इस वीडियो को शेयर का बटन जो आपके नीचे राइट साइड में शेयर है और शेयर टू जितने भी ग्रुप्स हैं प्लीज़ उसमें एक बटन दबा दीजिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये मुलाना का MM हॉस्पिटल है, बहुत ही सुपर स्पेशली हॉस्पिटल है, हरियाणा के अंदर हूँ इस वक्त मुलाना में। और मुलाना की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक ऐसा केस मेरे को सुनने में आया, किसी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि एक परिवार है जिनकी वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद उनकी इतने सर्जरी पे भी पैसा लगेगा, 2.5 से 3 लाख रुपए की जो ज़रूरत पड़ गई अचानक से। परिवार बहुत ही मिडिल क्लास परिवार है। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक्सीडेंट हुआ है इस लेडीज़ का, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर ICU में एडमिट है और काफ़ी ज़्यादा जो उनको पैसे की ज़रूरत है। और उनका बेटा मेरे साथ है, क्योंकि उनके पति जो हैं वो घर पर हैं और काफ़ी ज़्यादा गरीब हालत है। भाई क्या नाम है, यहाँ जाइए आप, क्या कुछ कहना है? क्या नाम है आपका? अखिल है, मम्मी का नाम मीनाक्षी है जी। क्या हुआ था, कैसे हुआ? वो रात जी काम से आ रहे थे, बस स्टैंड के पास सामने एक्सीडेंट हो गया था जी, एक्टिवा से सामने रॉन्ग साइड से एक्टिवा आ रही थी, स्पीड में थी, उससे लड़की से कंट्रोल नहीं हुई, उन्हें सीधा एक्टिवा में लगी जी। उसके बाद मम्मी का सिर लगा डिवाइडर पर गिरे, हो बस वहाँ ज़्यादा सीरियस हो गई जी, फिर सिविल हॉस्पिटल लेके गए थे वहाँ से। अच्छा। सिविल हॉस्पिटल लेके गए जी, वहाँ उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, पड़े रहे। फिर जी मैं वहाँ से लेके निकला, गाबा हॉस्पिटल में गया जी, वहाँ उन्होंने साफ मना कर दिया था, कह रहे जी हम कुछ नहीं कर सकते, कह रहे कितने लगभग कितने पैसे की जरूरत है, कितने दिन से यहाँ एडमिट है? 25 तारीख को आए थे जी यहाँ, आपका ऑपरेशन हुआ था जी 26 को, आज 3रा दिन है जी आज। तो और कितना एस्टीमेट लग रहा है आपको? ढाई तीन लाख का बोला जी। 2.5 लाख। हाँ जी। तो आपके हालात कैसे हैं, घर में पिता क्या करते हैं आपके? पिताजी किसी घर में रोटी बनाते हैं जी। और मम्मी क्या करते थे? मम्मी आंगनबाड़ी में है जी। घर का खर्चा कैसे चलता है? बस जी चलाते हैं सही, मम्मी की सैलरी भी कम है, पापा की कम है, थोड़ा बहुत करके भी चलाते हैं जी। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, हमारे पास वीडियो बनाते, इस भाई का चेहरा आपको मेरे को लगता है आपको धुंधला दिखाई दे रहा है। इस चेहरा इसलिए धुंधला है क्योंकि इस भाई की ये फरियाद थी कि ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहता था, क्योंकि अक्सर ठीक होने के बाद जो है परिवार में समाज में जो है लोग देखते हैं, फिर उससे इज्जत में कहीं ना कहीं एक होता है कि आपके पास ये हुआ था। तो इसलिए इस भाई का चेहरा आपको जो है वो ब्लर दिखाई देगा, क्योंकि इनको खास इस वक्त पैसे की ज़रूरत है और ये एकमात्र साधन है। हमारा सोशल मीडिया का यही फायदा होता है कि हम एक से एक हम बातें शेयर कर देते हैं, लेकिन जहां हमें जरूरत पड़ती है उस परिवार को साथ देने की। मैं नीचे आपके पास क्या अकाउंट नंबर है, कैसे लोग आपसे? गूगल पे नंबर है आपका? मेरा गूगल पे नंबर भी है जी। गूगल पे नंबर भी जो है वो डिस्प्ले में नीचे दूंगा। अकाउंट नंबर भी है? अकाउंट नंबर है जी। अकाउंट नंबर है? हाँ जी, वो भी देंगे। तो क्या लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? इस वक्त पैसे की दिक्कत हो रही है कि? बहुत दिक्कत है जी पैसे की, तो पैसा है नहीं जी, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर रहे हैं, आज भी जी जमा कराना है जी, ऑपरेशन हुआ तो उसके पैसे जमा कराने हैं, 40,000 रुपये बोले हैं जी वो। हाँ जी चाहते हैं जी हम तो बिल्कुल। तो लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ MM हॉस्पिटल मुलाना से हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बिना किसी सोच समझ कर, क्योंकि एक आपके शेयर की वजह से किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मैं इतनी दूर यहाँ पर आया हूँ सिर्फ इस वीडियो को बनाने के लिए आया था, मेरा कोई मकसद नहीं है। आप मेरी कोई भी वीडियो मत शेयर कीजिए, मैं नहीं आज के बाद नहीं कहूँगा, पर किसी की हेल्प की अगर जब ज़रूरत आती है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये हॉस्पिटल में हूँ, कोई इसमें नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर एडमिट है हॉस्पिटल में? एमरजेंसी में जी, 2nd फ्लोर पर नर्सिंग ICU उसमें जी। तो मैं उनकी तस्वीरें जो है ज़्यादा आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि सेंसिटिव है, वेंटिलेटर पे हैं इस टाइम, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। गूगल पे नंबर आप नीचे देख रहे हैं, साइड में आपको पूरा बैंक डिटेल है वो देख रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि किसी की ज़िंदगी आप लोग बचा सकें।